क्या बना रहे हो? वही रोज का दाल भात सब्जी। और तो क्या बनाना आता है मुझे, वो तो पक चुका है। अभी मैं ये सलाद काट रहा हूँ, ये बहुत जल रहा है आँख यार। छोड़ो यार, देखो तुम्हारे लिए मंजू ने क्या भेजा है। बस्ती का मुर्गी का टांग, बकरी का मांस और बस्ती का चावल भेजा है। ऐसा है क्या? हाँ। अरे मंजू भाभी मुझे कितना याद करती है। कैसी है वो? अभी ठीक ही है, लेकिन यार ये शादी भी नहीं करना चाहिए। मैं मंजू से इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि उसको छोड़कर कहीं भी जाने का दिल नहीं करता। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बना रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ये भी ले जाओ। प्यार ऐसे ही होता है। मैंने भी अभी तक शादी नहीं की। राधिका मुझे बहुत प्यार करती है, ना जाने वो मेरे बगैर क्या कर रही है। तुमने भी लव मैरिज की है ना? हाँ, लव मैरिज की है। तो बताओ ना, पहली बार भाभी को कहाँ मिला? अच्छा तो तुम सुनना ही चाहते तो सुनो। हाय मंजू, कैसी हो? मुझे आपसे बात नहीं करना है। क्यों? मैं आपको कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे यार तुमको तो पता ही है, अभी बारिश का मौसम है, रास्ता ब्लॉक था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। आपको पता भी है मैं 2 कप चाय पी चुकी हूँ। अरे जानू इतना गुस्सा भी मत कर, मुझे नहीं पिलाओगी क्या? देखो पसंद, हमारे रिश्ते के बारे में पापा को पता चल गया है, इसलिए मेरे पापा किसी और के साथ शादी कर देना चाहते हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे बिना एक पल भी रह नहीं पाऊंगा। और कोई उपाय भी तो नहीं है। एक उपाय है, हम भाग के शादी कर लेंगे। सच? सच्ची में। चलो चाय। तूने मंजू को भागी शादी किया ना? हाँ, उसके अलावा दूसरा चारा ही नहीं था। और तुम्हारा पिताजी ने कुछ नहीं कहा? मेरा पिताजी एक अच्छा इंसान है, मैं उनका अकेला वारिस हूँ। मेरी खुशी को अपनी खुशी मान के उसने मंजू को बहू अपना लिया। मुझे लगता है आदमी का मन स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए। यदि मन सुंदर होना, ये बाहरी सुंदरता का वैल्यू नहीं। तुम्हारे पिताजी बहुत महान है। वो तो है, अभी तो मेरा 1-3 साल का फूल सी बच्ची भी है। वही तो यार, एक बार भाभी बच्चे और पिताजी को मुझे मिलना है, मैं जाऊंगा तुम्हारे घर। जरूर। अरे यार अभी 10 बज गया यार, देखो भूख लगा ना? हाँ वही तो, मुझे भूख लगा। ठीक है, आज मैंने ये ऑर्गेनिक सब्जी का ये बनाया है यार, सब्जी बनाया है तो मैं लेके आऊँगा। ठीक है? अच्छा, तुम थोड़ा बैठो। राधिका का क्या हाल है? इस दुनिया में राधिका जैसी सुशील और सुंदर लड़की कोई नहीं है। वो मुझे बहुत प्यार करती है। एक बार मैं गाँव ना जाऊँ ना, वो रो रो के पागल हो जाती है।
अरे यार राधिका तुमसे सच्ची मन से प्यार करते है। हाँ योगेश एक बात बताना भूल गए, मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने को मंजू को भी गांधी लेके आऊँ बच्चे की पढ़ाई के लिए, तब तो मुझे दूसरा कमरा ढूंढना होगा। क्या बात कर रहा है, ये कमरा है तो? और तुम? अरे मैं के तो कहीं भी एडजस्ट कर लूंगा ना। और राधिका से शादी हो गई तो? अरे वो दूर की बात है यार, क्या तुम खड़ा हो? ठीक है। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या सोचा है तुमने? बीमा, इस बार मैं कर नहीं पाऊंगी, बल्कि शायद अगली बार कर पाऊं। अगली बार योगेश भाई तुम्हें ऐसे ही रहने देंगे? शादी कर ली तो? अब भी शादी की बात करने लगी हो? हमारे बीच ऐसे कुछ भी नहीं है, प्यार किया है तो शादी तो होना ही है ना। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तब तो योगेश भैया किसी शहर की लड़की के साथ शादी कर लेंगे और तुम देखते ही रह जाओगी। पेमा प्लीज ऐसे बात मत करो, योगेश मेरे अलावा और किसी के साथ प्यार नहीं कर सकता, और मैं भी उसके बिना जी नहीं सकती। लो इसके साथ तो बहस करना भी बेकार, चलो चलते हैं। ए योगेश, क्या कल और परसों छुट्टी है, तुम मेरे घर चलना यार। मंजू भी पूछ रहे थे कि तुमको घर ले आने को, और पिताजी भी पूछ रहे थे। इस बार तू चला जाना, अगली बार मैं जाऊंगा। सोने दे यार। अरे यार तू मेरा जिगरी दोस्त है, पिताजी भी तुमको अपने बेटा मानते हैं, घर में पूजा भी है। चल ना यार, चल प्लीज चल ना यार। सुन मेरा थोड़ा काम है, इस बार तू चला जाना, मैं अगली बार मैं जाऊंगा तो बोला ना। तेरा अगली बार कभी नहीं आएगा, जब भी मैं अपने घर जाने को कहता हूँ तुम बात को टाल देती हो। ठीक है तो अब मेरे मरने के बाद ही आना। ऐसे बात मत कर, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था यार। अच्छा अशुभ बात कहती है क्या? ऐसे बात कहना तेरा मुंह तोड़ दूंगा, अगली बार नहीं गया ना मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। मेरा अभी काम है ना, कल बाबा का वो दवाई भेजना है, इसलिए नहीं जा रहा हूँ ना, अगली बार जरूर जाऊंगा यार। तो जा, छोटी छोटी बात नहीं गुस्सा कर। अच्छा चल, सो अगली बार जाएंगे ना। क्या यार तू भी आने में, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पीमा के कारण देर हो गई, नहीं तो मैं पहले ही आ चुकी होती। ये आपके लिए लाई हूँ, लीजिए ना। वाह,
थैंक यू राधा। आप जाने के बाद मुझे एक बार भी याद नहीं करते हैं। आपको क्या पता मुझमें क्या बीतती है। सॉरी 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 योगेश, शहर में ना आपका रहने का घर कैसा है? मेरा घर नहीं, मेरा कमरा है, किराए का कमरा। और बिस्तर किधर है, किस तरफ है? मेन गेट के अंदर जाने के बाद बाएं ओर। और तकिया? क्या क्या पूछती रहती हो? कहीं ना तकिया, तकिया पूर्व की ओर। कितने बजे सोते हैं? नींद आने की बात। अकेले सोते वक्त मुझे याद नहीं करते? क्या क्या पूछती रहती हो? कहिए ना। अरे बुद्धू, क्या क्या पूछती रहती हो? आप मुझे कभी याद नहीं करते हैं ना? मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूँ। कैसी बात करती हो? योगेश, ये पत्थर ना हमारे प्यार की निशानी है। ये पत्थर ना कभी ना गिरना चाहिए। नहीं गिरेगा। मिलाओ मिलाओ मिलाओ। ये तो कभी नहीं गिरेगा। यस। अब तो नहीं गिरेगा। ये तो हो गया, ये तो थम गया। यस। मैं कल ही आया था। ये पासंग ने थोड़ा मीट वगैरह लाया था, वो आपको देने के लिए आया। लीजिए। तो फिर पासंग किधर है? वो तो गांव चला गया। मैं भी कैसी बोला करो ना, भाई को बाहर रखकर बातें कर रहे। अंदर आइए ना। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, आइए ना, कुछ बातें करते हैं। आइए योगेश भाई, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आते हूं। नहीं नहीं भाभी, नहीं, अभी खाना खाने का टाइम है। मैं वैसे भी मैं चाय नहीं पीता। तो गांव घर में सब कुशल मंगल? सब कुछ ठीक है। और दिन बैठना चाहता था मगर क्या करे, ड्यूटी ऐसा है ना, जल्दी आना पड़ा। आप तो कितने भाग्यवान हैं, आपका गांव है, घर है, अपने लोग हैं। मैं तो कैसे अभागन हूँ, ना घर ना गांव। भैया तो है ना, मगर बहुत दिनों से भैया को नहीं देखा, वो कहाँ है अभी? भैया आपको क्या बोलूँ हम लोगों के संबंध के बारे में, ये सब तो सिर्फ दिखावा है। मैं कब से आपको बोलना चाहती थी सूरज भाई कि भैया का एक उषा नाम की लड़की के साथ संबंध है। हम लोग को तो पता ही नहीं। इतना ही नहीं योगेश भाई, कभी कभी तो वो लड़की को लेकर घर पे ही रखते हैं। भाभी, हमारे संसार में ऐसे कैसे लोग रहते हैं? हमने तो भैया को ऐसे सोचा ही नहीं था। हिम्मत मत हारिए, मत रोइए भाभी। मैंने ऐसे घिनौने बातों का कितना विरोध किया लेकिन उन पर कुछ असर ही नहीं होता है। मुझे तो ये सोच कर भी अपने आप पे गुस्सा आता है कि मैंने ऐसे इंसान के साथ कैसे शादी कर ली। मत रोइए भाभी, हिम्मत रखिए। भाई मैं चलता हूँ, ठीक है? हिम्मत रखिए, मत रोइए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह?
तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हेलो योगेश, रात भी रखता हूँ, रात को जान को तुम कैसी हो? ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन एक बुरी खबर। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? पासंग का बाइक का एक्सीडेंट हुआ। पासंग को क्या हुआ? दुख की खबर तो ये है योगेश, पासंग अब हमारे बीच में नहीं रहा। ही इज नो मोर। उसका तो दाह संस्कार भी कल हो गया। पासंग ने तो गैंगटॉक में एक रूम भी देखा था भाभी को लाने के लिए। हम सब शौक थे, पासंग जैसा अच्छा इंसान, हम सबका दोस्त, अब हमारे साथ नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने को मंजू को भी गांतुक लेके आऊँ बच्चे की पढ़ाई के लिए, तब तो मुझे दूसरा कमरा ढूंढना होगा। इतना सब कुछ हुआ आपने हमें बताया नहीं। पासंग हमारा जिगरी दोस्त था, ये सब कैसे हुआ? इस बेटा, इसका दोषी मैं हूँ। उस रात अगर मैं बीमार नहीं पड़ता तो ये घटना नहीं होता। मेरे लिए ही हॉस्पिटल जाते वक्त पासंग का बाइक टाटा से टकरा गया। तू मेरा जिगरी दोस्त है, पिताजी भी तुमको अपने बेटा मानते हैं, घर में पूजा भी है। चल ना यार, चल प्लीज चल यार। सुन मेरा थोड़ा काम है, इस बार तू चला जाना, मैं अगली बार मैं जाऊंगा तो बोला ना। तेरा अगली बार कभी नहीं आएगा। जब भी मैं अपने घर जाने को कहता हूँ तुम बात को टाल देती हो। ठीक है तो अब मेरे मरने के बाद ही आ। क्या हुआ बाबा? ये जो कुछ भी हुआ है इसके जिम्मेवार आपको खुद मत मानिए। ये जो भी होता है वो ऊपर वाले की मर्जी है, उनके मर्जी के आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए क्या करें? सुनो बेटी, यहाँ मरण के आगे रोने से मरण की आत्मा को क्यों दुख पहुंचा रहे हो? यहाँ मरण काल से पहले, कुछ समय पहले देवी देवता का प्रकट होती है और वे देवी देवता को पहचानने में 60 दिन तक। भगवान बुद्ध का कहना है कि वो आत्मा 60 दिन तक भटकता है, इसीलिए रोने से आत्माओं को संकट होता है और रोने से पासंग बेटा भी तो वापस नहीं आएगा। तो आपको बच्चे के लिए जीना पड़ेगा। प्लीज भाभी, लामा जो कह रहा है वो सही कह रहा है। आपने आपको संभाली, आपने दिल को समझाइए भाभी। दिल को कैसे समझाएंगे योगेश भैया?
शादी किए हुए 4 साल ही हुआ है। भगवान ने भी इतना बड़ा अन्याय क्यों मेरे साथ किया? देखिए ना, फूल जैसे बच्ची को छोड़ के चला गया। अब तो मुझे भी जीने का मन नहीं कर रहा है। देखो हमें अपने अपने हिस्से का जीवन तो जीना ही पड़ता है, और आपको तो और भी जीना है। इस बच्ची के लिए आपको और भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। बुद्धू, तुम यही बैठी रहोगी? योगेश भैया आए हुए हैं, तुम्हें पता नहीं है? योगेश भैया आया है? तुझे किसने कहा? मैंने खुद देखा है, उनके साथ एक लामा साथी भी आया है। हिमालय का है उजलापन, झरनों सा है बचपन, पहाड़ों की हरियाली में उड़ते आंचल सा यौवन, छोटा सा है जीवन में।